यूपी में योगी को अपना एक और मुरीद मिल गया है, मुलायम की छोटी बहू अपर्णा के रूप में। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने खास बातचीत में अपर्णा यादव ने योगी ज्ञान से लेकर बीजेपी में शामिल होने के सवालों पर बेबाक जवाब दिया। आज तक में खास बातचीत में जुड़ रहे हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो अपने सरनेम से हटकर अपनी एक पहचान बनाना चाहती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव से। आज तक से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपर्णा जी। हमेशा ये कहा जाता है कि अगर अपर्णा का नाम आता है तो एक अलग पहचान, एक अलग छवि, एक अलग नाम, बेबाकी, बेबाक स्टाइल, अलग अंदाज। यादव परिवार की छोटी बहू होना और उस साए से बाहर आना कितना मुश्किल था आपके लिए? देखिए, बहू होना तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी शादी हुई है इस परिवार में, और मैं बहुत ही ऋणी हूँ अपने सास ससुर के कि उन्होंने बहुत मुझे जो है ग्रूम किया है, मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और उन्होंने बहुत मौके भी दिए हैं मुझे। मैं बस काम करा है मैंने अपना, जो मुझे आज तक जिस चीज़ में मेरी रुचि रही हो, चाहे वो गायन हो चाहे वो सोशल वर्क हो, तो मुझे लगता है जिस चीज़ में आदमी का पैशन हो, इंटरेस्ट हो, उसी चीज़ को करना चाहिए। अभी हाल ही में आपकी तस्वीरें आईं योगी आदित्यनाथ के साथ, मैं वहीं पे थी वीवीआईपी गेस्ट हाउस में जब आप मिलने भी गए थे उनसे, और इस छोटे से पीरियड में आप कम से कम लगभग 3 बारी मिल चुके हैं उनसे। एक बारी तो गौशाला में और उससे पहले एक बारी जी। तो किस तरह से आप कहते हैं कि कुछ संदेश देना चाहती हैं, अपनों को ही बताना चाहती हैं, इसलिए आपने जो है उनको बुलाया? आपने को हम लोग मिलने भी इसीलिए गए थे कि हम शिष्टाचार भेंट है, वो सबके मुख्यमंत्री हैं भाई, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की नागरिक हूँ तो वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री की अगर आप तुलना करते हैं, जब कोई भी पद पे आसीन होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज अ फादर फिगर, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज नॉट अपर्णा यादव स्पीकिंग, बट कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज द फादर ऑफ द स्टेट। आपकी इक्वेशन कैसी है? मतलब आपने खुद कहा कि वो फादर फिगर है, ये भी अटकलें हो रही हैं कि अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, या उन्होंने बुलाया एक संदेश देने को अपनों को, अखिलेश को ये संदेश देना चाहती थी कि आप करीब हैं योगी आदित्यनाथ के, बीजेपी ज्वाइन कर सकते। उनको भी पता है ये बात, ऐसा कुछ नहीं है, उनसे भी कोई बात नहीं छुपी है, क्योंकि जब उनकी सरकार थी तभी हम मिले थे, और मैन जी के जो गुरु जी हैं स्वामी अवैधनाथ जी, गुरु जी के जब श्रद्धांजलि हुई थी उनको पता है ये बात। माननीय नेताजी ने फ़ोन किया था उस समय अवैधनाथ जी के देहांत पे उन्हें, तो ये सारी बातें हैं उनकी नॉलेज में। ऐसा कोई संदेश वंदेश मुझे नहीं देना है किसी को भी, और उनको संदेश देकर मैं क्या कर लूँगी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अटकलें हैं। मुझे लगता है समय आदमी के सारे जवाब दे देता है, और कुछ बातें, कुछ जवाब, कुछ सवाल जो है हमें उसके गर्भ में छोड़ देनी चाहिए, टू बी जस्ट आंसर्ड व्हेन इट इज़ द ऑपर्चून टाइम। सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑन दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है कि टाइम विल प्रोग्रेस एंड टाइम विल टेल इट्स ओन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी अपर्णा यादव, बड़ी बेबाकी से हमसे बात करते हुए और साफ तौर पे तमाम पहलुओं में उन्होंने अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ मौसमी सिंह, लखनऊ आज तक। वैसे अपर्णा यादव ये भी कह चुकी हैं कि मुझे ईवीएम ने नहीं अपनों ने हराया है, और बड़े शायराना अंदाज में उन्होंने कहा था कि कश्तियां वहां आकर डूब गईं जहां साहिल करीब था।